प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम 14 मार्च से शुरू होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और भी विषय के मैंने बता रखा है। यदि आप इस परिवार के सदस्य नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका सदस्य बन ले और प्ले लिस्ट में जाकर विभिन्न विषय के आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख सकते हैं। सारे परीक्षा उपयोगी है। तो देर न करते हुए चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पार्ट वन, पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो यहाँ जगह बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ जगह दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो केंद्र को। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो आंध्र प्रदेश। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही है? तो इनमें से सभी, माने राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज से। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग, पहले इसका नाम योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी और ये अपना कार्य शुरू किया था 1951 में। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? फ्रांस। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका। दक्षेस मतलब सार्क में कितने देश हैं? 8। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। पूना पैक्ट संबंधित था तो दलित वर्ग से। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 245 से 255। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हो जाएगा 11। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 74वां। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? 1975। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भाग 4। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो आय एवं व्यय। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष। यहाँ बिहार के जगह आपका झारखंड रह सकता है, उसका भी 5 वर्ष है। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू और कश्मीर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906।
1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो M.S. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्लॉन्ग बोरलॉन्ग, और भारत में M.S. स्वामीनाथन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1977। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? राजद। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1996। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1998। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पार्ट वन खत्म, अब पार्ट टू स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यू थांट। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? 8। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? योजना आयोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भारत में किसने दिया? नरेंद्र मोदी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी? तो वांडुंग सम्मेलन। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो 1957। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1956। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950, और ये कार्य शुरू किया था 1951 से। अभी इसका नाम है नीति आयोग। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? यूरो। निम्नलिखित में कौन एक राज्य नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में किस दल की सरकार है? भाजपा। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1971। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। निम्नलिखित में कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? थाईलैंड। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 1975। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत में 1940 के दशक के अंतिम सालों में किसके निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो होमी जहांगीर भाभा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? आंध्र प्रदेश। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बराक ओबामा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो आम आदमी पार्टी। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी।
सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? चौथी, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? पाकिस्तान। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? तो जगजीवन राम। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। तो ये पार्ट टू भी ख़त्म हो गया। बहुत जल्द हम लोग पार्ट थ्री, पार्ट फोर, टोटल 7 पार्ट है, इसको हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।